So my dear student, next question, question number 52 in front of us. What is this question is saying? Question is saying that a helicopter of mass 2000 kg rises with a vertical acceleration of 15 meter per second square. The total mass of crew and passenger is 5000 kg. Okay, give the magnitude and direction of the force on the floor of helicopter by crew and passenger. So it is F equal to M. It is F equal to M into G plus A. Okay, क्योंकि यहाँ पर अगर हम उसके फ्लोर की बात करेंगे तो फ्लोर पर टोटल मास जो 500 है उसका वेट ओके प्लस वेट एम जी ओके प्लस शूडो फोर्स एम ए भी काम करेगा. सो दिस एफ इज इक्वल टू 500 इंटू जी. जी का वैल्यू कितना है 10 और ए का वैल्यू कितना है 50. सो दिस एफ इज इक्वल टू 500 इंटू 25 एंड इट इज़ इक्वल टू 125 एंड 00 दैट मच न्यूटन. दैट इज फ्रिक्शन फोर्स एफ. दैट इज़ द फोर्स अप्लाइड ऑन द फ्लोर. ओके तो ए पार्ट सॉल्व हुआ. अब बी पार्ट सॉल्व करते हैं. वट इज दिस बी पार्ट? द एक्शन ऑफ रोटर ऑफ हेलीकॉप्टर ऑन द सराउंडिंग. तो यहाँ पर जो टोटल मास है उसके बराबर फोर्स लगेगा. तो फोर्स लगेगा दिस 500 ओके प्लस 2000 ओके इंटू जी प्लस ए, है ना. तो यहाँ पर उसको उस पैसेंजर को भी उठाना है और जो हेलीकॉप्टर है उसको भी उठाना है और उसको एक्सेलरेशन भी देना है 15 मीटर पर सेकेंड का. तो दोनों का मास इंटू टोटल एक्सेलरेशन. सो इट विल बी 2500 इंटू 12 ओके. सो 12 फाइव ज़ा 60 एंड 6 विल बी रिमेनिंग एंड 12 टू जा 24 24 प्लस 6 इज 30 ओके एंड 20 अगेन. सो दैट मच न्यूटन ओके. इतना फोर्स सराउंडिंग एयर पे लगाना पड़ेगा तब जाके वो ऊपर उठेगा. एंड द लास्ट सी द फोर्स ऑन द हेलीकॉप्टर ड्यू टू द सराउंडिंग एयर. द सेम अमाउंट ऑफ फोर्स है ना, जितना हेलीकॉप्टर एयर पे लगाएगा उतना ही एयर हेलीकॉप्टर पे लगाएंगे. सो इट इज़ अगेन 30,000 न्यूटन. दैट इज़ द आंसर. ओके थैंक यू वेरी मच.